सभोपदेशक अध्याय 12। सभोपदेशक अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख कि अब तक विपत्ति के दिन और वे वर्ष नहीं आए जिनमें तू कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तब सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएंगे। उस समय घर के पहरुए कापेंगे और बलवंत झुकेंगे और पिसनहारिया थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही नींद खुलेगी और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाने पर होगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो कि त्यो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और फिर उपदेशक जो बुद्धिमान था इसलिए वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा और कान लगाकर और पूछ पाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक मन भावनी बातें खोजकर निकालता था और ये बातें सच्ची है जो सीधाई से लिखी गई है। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और सभाओ के प्रधानों की बात गाड़ी हुई किलो के सरीखी है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलती है। और फिर हे मेरे पुत्र, चौकसी इन्हीं से सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि सब मनुष्य का काम यही है और परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो चाहे बुरी न्याय करेगा।